हेलो फ्रेंड्स, द मॉर्निंग न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नज़ीर। दोस्तों, आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 3 नवंबर और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। तो फ्रंट पेज पे देखिए एक न्यूज़ है, दिल्ली एलजी कैन नॉट सिट ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच ये टसल काफ़ी पुराना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं। तो हम देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा है कि दिल्ली की जो एलजी है वो गवर्नमेंट की स्कीम पे सिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहना उनका ये है कि अगर कोई ऐसा इशू है जिसमें आप लोग के बीच सहमति नहीं है तो उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ही विल हैव टू टेक इशू टू दी, वो प्रेसिडेंट के पास जाए और प्रेसिडेंट फिर उसको डिसाइड करेंगे। इसके अलावा फिर देखिए इसमें क्या कहा है, एल जी इज़ बाउंड टू पास द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। मतलब अगर ओपिनियन में डिफरेंसेज हैं आप लोगों के चीफ मिनिस्टर और एल जी के बीच में, तो वो क्या होगा, वो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट टू अर्ली रिजोल्यूशन, ऐसा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है। फिर उसके बाद देखिए ये देखिए इशू जो है ये काफ़ी जब से अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं, क्योंकि दिल्ली का जो स्टेटस है आप लोगों को पता होगा 239 एक स्पेशल स्टेटस है, ठीक है ना। तो एक ये फुल स्टेट भी नहीं है और ये एक पूरी तरीके से यूटी भी नहीं है, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हमेशा आती है। तो उस पर देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये एक्चुअली 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो हियरिंग कर रही है और काफ़ी केसेस थे। देखिए इसमें लिख रहा है कि 9 केसेस शायद थे इन्होंने फाइल किए थे। तो उसमें देखिए इन्होंने कहा है, द एल जी हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ऑल मैटर्स रिगार्डिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड नथिंग विल हैपन विदाउट द कंकरेंस ऑफ एल जी। तो एल जी ही एक तरीके से बॉस है दिल्ली के और उनकी सहमति के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था। उसके बाद देखिए आगे लिख रहा है कि इनकी जो अरविंद केजरीवाल जो है, तो उन्होंने क्या कहा है, उनकी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, वांट्स द सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन द लॉ। उनसे कहा है कि आप या तो बताइए कि हमें क्या करना है, क्योंकि एलजी कैन यूनि मतलब ये पूछ रहे हैं एक तरीके से कि एलजी कैन यूनिलेटरली एडमिनिस्टर द एनसीटी, यानी कि नेशनल कैपिटल जो है क्या वो एलजी अपने तरीके से चलाएंगे, यूनिलेटरली चलाएंगे विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। चूंकि ये गवर्नमेंट इलेक्टेड है, ये वॉइस ऑफ पीपुल है, पीपुल ने इन्हें चूज़ किया है, तो क्या उनकी आप एड एंड एडवाइस नहीं लेंगे। तो ये सारी बातें इन्होंने कोर्ट में रखी थी, ठीक है। तो दिल्ली एलजी एक्चुअली सेड दैट एलजी हैज स्पेशल पावर। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो एलजी होते हैं वो उनके पास स्पेशल पावर होती है, और इन्होंने यहां तक कह दिया था कि ग्रेटर देन प्रेसिडेंट एंड ग्रेटर देन अदर गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये कह रहे हैं कि इवन इनकी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा होती है और जो अदर गवर्नर के स्टेट होते हैं उनसे भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए 69th अमेंडमेंट, ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 69th अमेंडमेंट के थ्रू ही 1992 में नेशनल कैपिटल को दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे पहले ये यूनियन टेरिटरी होता था, तो 92 के बाद से यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट और फिर यहाँ पे लेजिस्लेचर वगैरह ये सारे यहाँ से शुरू हो गए, ठीक है ना। इससे पहले यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। और 239A जो एक स्पेशल आर्टिकल है ये मैंडेट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल एड एंड एडवाइज द एलजी इन हिज फंक्शन रिगार्डिंग लॉज मेड बाय असेंबली। तो जो भी देखिए इस ये जो स्पेशल एक्ट है 239, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब सेक्शन है 239A, तो इसमें ये मेंशन है कि एलजी जो होंगे वो क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी लॉ असेंबली बनाएगी। और द फोकस ऑफ द करेंट कंट्रोवर्सी, देखिए जो इशू जो शुरू हुआ है, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब होती है तो इनके बीच तभी ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है ना। तो और इसमें देखिए और आगे लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट, हाँ देखिए फाइनली चीफ जस्टिस ने कल क्या कहा है, द दिल्ली गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू एड एंड एडवाइज द एलजी इज़ लिमिटेड टू सब्जेक्ट अदर देन पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड इन नेशनल कैपिटल। तो इन्होंने देखिए बहुत बड़ी बात कही, इन्होंने ये कहा है कि जो एड एंड एडवाइस की जो प्रोसेस है वो लिमिटेड है, एलजी के लिए लिमिटेड है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ ही चीज़ें हैं जो प्रोविज़न इनको मिले हैं जिन पे इनको पूरी तरीके से कंट्रोल है, वो क्या है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो है लैंड, ठीक है ना, लैंड से रिलेटेड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 ही जो है इन पे वो पूरी तरीके से कंट्रोल है उनका। बाकी में उनको एडवाइस मतलब देने में वो पूरी तरीके से मतलब एलजी मतलब वो उनको डिस्क्रिशन है, ठीक है ना। इन 3 अगर सब्जेक्ट को छोड़ दें तो एलजी को पूरा डिस्क्रिशन है, वो फैसला ले सकते हैं विदाउट एड एंड एडवाइस।
तो जबकि सुब्रमण्यम जो इन्होंने जो दिल्ली गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि एलजी ने अपनी डिस्क्रिशन का मिसयूज़ किया है और गवर्नेंस को एक तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की है, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए जैसे टीचर्स के अपॉइंटमेंट में, इसके अलावा म्यूनसिपल स्कूल में जो हाँ टीचर के अपॉइंटमेंट, मोहल्ला क्लिनिक, इन सब चीज़ों को पेंडिंग करके रोक रखा था, और इस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे इन्होंने अपनी डिस्क्रिशन का मिसयूज़ किया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें 239A आप याद रखें, और ये याद रखें कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया 69 अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में। तो दो चीज़ें आप ज़रूर याद रखें। इसके अलावा ये जो दिख रहा है, ये जो सिचुएशन है आप लोगों को दिख रही होगी, तो ये चेन्नई में है और ये ओवरफ्लो हो रहा है पूजल लेक। तो आपको ये बताना है कि ये जो वहाँ पे अब रेन क्यों हो रही है, ठीक है ना। और देखिए मैं बता ही देता हूँ, देखिए नॉर्थ तमिलनाडु के कुछ कोस्टल एरिया में और आंध्रा के कुछ कोस्टल एरियाज में नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्रेड वो होती है, मानसून जो होता है उससे वहाँ पे रेन होती है, राइट। तो ये रेन वही हो रही है, ये वहाँ पे विंटर रेन होती है, तो देखिए ये शुरुआत हो गई है और बहुत ही हैवी रेन हुई है, तो उसकी वजह से ये सिचुएशन देखने को मिली है। अगली न्यूज़ ये देखिए, उचहार वाली कल जो हमने रायबरेली में जो ब्लास्ट हुआ था एनटीपीसी में, तो उसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए राहुल गांधी गए हुए हैं, ये हमारे हमने एनटीपीसी ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं पीएम, हमारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ खास नहीं है। एक न्यूज़ जो है हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं, सीआईए फाइल्स रिवील ओसामा फॉलोड जम्मू एंड कश्मीर न्यूज़। तो ये कह रहे हैं कि सीआईए जो है कि फाइल्स जो है उनसे पता चला है कि ओसामा जो था वो कश्मीर की जो सिचुएशन थी और कश्मीर की न्यूज़ पे वो नज़र रखता था, और जो हेडली था जो 2008 के जो अटैक में शामिल था उस पे भी ये कह रहे हैं कि उनके डेवलपमेंट पे इनकी नज़र रहती थी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है। सीआईए वेडनेसडे रिलीज 4,70,000 एडिशनल फाइल्स सीज्ड बाई मई 2011 विथ यूएस नेवी सील्स। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई है, और जो एबटाबाद में इनको मारा गया था आप सबको पता होगा, उन सब की वीडियो वगैरह भी इन्होंने इसमें मिली है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेट्स मूव और आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये एक न्यूज़ है, देखिए ये क्या कर रहे हैं कि ये बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं गुरु नानक देव की भोपाल में। तो गुरु नानक जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरु नानक देव, तो गुरु नानक देव जो है इज़ अ फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो 10 गुरु है इनके, उनमें से ये भी एक गुरु है। हिज बर्थ इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज गुरु नानक गुरुपर्व, गुरुपर्व या कार्तिक पूर्णिमा के रूप में, फुल मून डे को इन द मंथ ऑफ कातक अक्टूबर नवंबर में, तो ये कल मनाई जा रही थी। तो देख रहे हैं ना, फुल मून डे को ये मनाई जाती है। और गुरु नानक हैज बिन कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस इनोवेटर्स ऑफ द ऑल टाइम। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में कही जाती है। गुरु नानक वर्ड्स रजिस्टर्ड फ्रॉम 1974 पोएटिक, और इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब टेक्स्ट जो है सिखिज्म का, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए मुगल एम्पायर जो इनकी 22 सितंबर 1539 को ये डेट, और 1469 को ये पैदा हुए थे ननकाना साहिब में, पंजाब में। तो थोड़ा सा हमने देखा गुरु नानक देव के बारे में, आगे बढ़ते हैं। देखिए उड़ीसा में क्या हुआ है, उड़ीसा में पेस्ट की वजह से वहाँ पे क्रॉप का काफ़ी लॉसेज हुआ है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के 8 जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है। दे आस्क द कलेक्टर्स ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट टू सबमिट रिपोर्ट्स विद इन 2 डेज ऑन द क्वांटम ऑफ द क्रॉप्स ड्यू टू द पेस्ट अटैक। तो पेस्ट अटैक से देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, काफ़ी लॉसेज हो जाते हैं, और पेस्ट जो होते हैं वो पूरी जो क्रॉप होती है उसको एक तरीके से ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि ये लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट हुई थी और उनको काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये लॉस उन लोगों को देखने को मिला। तो ये होता है कभी कभी। और अगली न्यूज़ जो है देखिए, एक्स ब्यूरोक्रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। ये हमारे सेकेंड पेपर जो होता है उसमें ये मेंशन करने के लिए बहुत अच्छी है, और इवन आप एथिक्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वाले पोर्शन में। देखिए हुआ यूँ है कि मेघालय में सबसे पहले, इंडिया में पहले ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे एक सोशल ऑडिट पैनल बनाया गया है, ठीक है। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट टोकी बला हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सोशल ऑडिट काउंसिल ऑफ द पैनल टू रिव्यू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो
हमारे सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम होती है वो अपने हिसाब से चालू करते हैं, लागू करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का काम, तो सोशल ऑडिटिंग जो होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो पब्लिक के कहीं ना कहीं इसमें अवेयरनेस की कमी है, या आप कह लें कि जो सिटीज़न है वो एक्टिव सिटीज़न नहीं, एक तरीके से पैसिव सिटीज़न होते हैं, मतलब जो उन्हें मिलता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उसके लिए देखिए सोशल ऑडिटिंग एक बहुत बड़ा टूल है इन सबको मॉनिटर करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो यही वो न्यूज़ है। तो इसमें देखते हैं कि इन्होंने ये कहा है कि मेघालय वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव द काउंसिल, मेघालय इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव द सोशल ऑडिट एक्ट। ये पिछले साल इन्होंने कहते हैं दिस, और ये बता रहे हैं इसका फायदा क्या होगा, दिस विल इम्पावर द पीपल टू ऑडिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो पीपल के पास एक तरीके से ये टूल है, पीपल यूज़ कर सकते हैं इस टूल को गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को, उन्हें पता भी तो चलना चाहिए, वो टैक्स देते हैं, पैसा तो पीपल का ही है, तो उन्हें पता तो चलना चाहिए कि ये पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप इन्होंने लिया हुआ है। और इसमें लिख रहे हैं कि काउंसिल में ऑल हेड्स ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिप्टी कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ दी प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जब शामिल होंगे तो ये सारी इसमें ऑडिटिंग कर सकेंगे, तो उसी को सोशल ऑडिटिंग कहा जाता है। वी होप टू अचीव ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसा मैंने कहा था, देखिए ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस में इससे आएगी, क्योंकि एक चेक होगा ना, एक चेक चेक एंड बैलेंसेस जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है, राइट। सो ये सारी चीज़ें, ये जो न्यूज़ है देखिए, ऑल सोल डे कोलकाता में मनाया जा रहा है, ये क्रिश्चियनों का एक पर्व है। तो ये क्या करते हैं कि एक रोज़ जो इन लोगों के रिलेटिव या जो भी जानने वाले डिपार्ट किए होते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनके एक तरीके से याद में कमोमरेट किया जाता है। लिखा है क्रिश्चियनिटी ऑल सोल डे कमोमरेट ऑल सोल्स द होली सोल्स या फेथफुल डिपार्ट्स दैट इज सोल ऑफ द क्रिश्चियन हु हैव डाइड, ठीक है। तो ये इसी तरीके से मुस्लिम्स में भी शबे बारात मनाई जाती है, उस दिन वो कब्रिस्तान पे विजिट करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट इट, और मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज़, आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो स्किपिंग दिस एड पेज, हाँ, सीएम मोर इंटरेस्ट इन टीपू जयंती, राजस्व, तो अमित शाह ने कहा है कि सीएम ज़्यादा इंटरेस्ट है टीपू जयंती को मनाने में, जबकि न कि राज्य उत्सव में, ठीक है ना। इनको कह रहे हैं कि इनका एंथुसियाज्म ज़्यादा है जो 10 नवंबर को जो मनाई जा रही है टीपू से, टीपू सुल्तान की जयंती, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा ये आरोप है इनका। और ये देखिए एक सोशल एविल जो होती है उससे रिलेटेड, उसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है, दलित को प्रीस्ट बनाया गया है कोचिन में, और देवास्वम ऑल्सो ओपन्स डोर, ठीक है। देवास्वम में एक प्रिस्ट को ये बनाया गया है, दलित प्रिस्ट है, ठीक है ना। तो मूव फॉलोस, इससे पहले ट्रावणकोर में भी एक ऐसा स्टेप लिया गया था। तो ये ठीक है एक तरीके से सोशल इक्वलिटी के लिए, अब जो डिफरेंसेस थे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। और केरला फार्मुलेटिंग ट्रामा केयर स्कीम, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो केरला ने एक ट्रामा केयर स्कीम लाने की बात की है, और इसमें क्या होगा, देखिए क्या होता है अक्सर जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उसमें लोगों को पहले, एक तो उसमें कई सारी दिक्कतें आती है, ठीक है। एक तो दिक्कत ये आती है कि अचानक सबके पास पैसे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो सबसे पहले इलाज के लिए पैसों की दिक्कत आती है, और उसके अलावा ये भी दिक्कत आती है कि उनको कॉस्ट, जैसे कब बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो बिना पैसे लिए इलाज शुरू नहीं करते, तो उन सब से टैकल करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। देखिए केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया है कि एक ट्रॉमा केयर स्कीम फॉर्मुलेट की है, ये एक इमरजेंसी केयर होगा और ट्रीटमेंट विल प्रोवाइडेड टू एक्सीडेंट विक्टिम, ठीक है। तो एक्सीडेंट विक्टिम को ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 48 आवर्स वंस द पर्सन हैज़ बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो 48 आवर्स तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो भी उस पर खर्च आएगा उसको गवर्नमेंट पे करेगी, गवर्नमेंट विल पे फॉर द इमरजेंसी केयर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई द हॉस्पिटल फॉर एन एक्सीडेंट विक्टिम फॉर द 48 आवर्स, राइट। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है इन्होंने, विच वुड बी रिकूव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज लेटर, बाद में ये इंश्योरेंस कंपनी से इसको मैनेज करेंगे। तो ये बहुत अच्छा, देखिए क्योंकि सारे एक्सीडेंट में यही होता है कि वो डॉक्टर्स जो होते हैं या हॉस्पिटल्स के लोग वो जल्दी इलाज शुरू नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है, 48 आवर्स तक फ्री इलाज होगा उनका, और बाद में गवर्नमेंट इनको कंपनसेट करेगी। और एक न्यूज़ दिए देखिए, जीआई टैक्स से रिलेटेड है, एपी के आर्टिसन को ये
टैग बिला है, तो ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप ज़रूर इसको याद रखें। और ये बिला किसको है, विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट में एक रिवर है वरहरा, वरहरा रिवर के बैंक पे ही। तो ये आईजी जो जी आई टैग मिला है एक टॉय है, राइट, जी आई टैग जो है इनको मिला है एक टॉय है और ट्रेडिशनल टॉय है, और ये वहाँ के आर्टिसन बनाते हैं, वुडेड का यूज़ होता है बनाने में। और उससे पहले भी जान लेते हैं जी आई टैग होता क्या है। तो जी आई इज़ द नेम और साइन ऑन अ सर्टेन प्रोडक्ट विच करिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन। तो ऐसे प्रोडक्ट को जी आई टैग दिया जाता है जिनकी मतलब कोई स्पेशल जगह पे ये बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक जगह पे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन या उनकी ओरिजिन होती है। और इसके अलावा लिख रहे हैं कि एज पर द नॉर्म्स गुड्स एंड प्रोडक्ट हैविंग टैग आर रिकॉग्नाइज फॉर देयर ओरिजिन। तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो वहाँ की ओरिजिन से ही उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके अलावा इसकी क्वालिटी और रेपुटेशन एंड दिस वुड गिव द रिक्वायर्ड एज इन द ग्लोबल मार्केट। तो एक तरीके से वहाँ पे नाम हो जाता है, जैसे आप लोग को पता होगा तिरुपति का जैसे लड्डू है और फैजाबाद की चूड़ी, ये सब सारी चीज़ें जी आई टैग में। और अभी एक वहाँ का एपी का ही एक आम था, आप कमेंट बॉक्स में बताएं उस आम का नाम क्या, उसको भी जी आई टैग अभी मिला है। इसके अलावा बासमती राइस, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनसे वहाँ की लोकेलिटी की भी पता चलती है और क्वालिटी भी इससे पता चलती है, ठीक है ना। तो ये स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और ये दिस विल इंश्योर दैट नन कैन यूज़ देयर नेम। हाँ, इसके जी आई टैग मिलने के बाद ये होता है कि इनके नाम को एक तरीके से कोई और यूज़ नहीं कर सकता। नन कैन यूज़ देयर नेम और गिविंग नेम एक तरीके से एक्सक्लूसिविटी वो प्रोवाइड करता है। द आर्ट इज, जो ये आर्ट है जिनको ये मिला है, ये कह रहे हैं कि ये 400 साल पुराना है और ये ट्रेडिशनली ये जनरेशन टू जनरेशन ये फॉलो वहाँ पे किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये जो है, इसके अलावा लिख रहे हैं कि ये वुड से बना होता है, इस पे पेंटिंग होती है, नेचुरल डाई का यूज़ होता है पेंटिंग में, और टॉक्सिक कंटेंट वगैरह जो होते हैं या हैवी मेटल इसका बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। और इसके अलावा यूज इज द फॉर्म ऑफ अंकुड़ी करा, जो ट्री, जो लकड़ी जो यूज़ की जाती है सॉफ्ट वुड, उसका ये देखिए क्या नाम है, जो पेड़ जो होते हैं उसका नाम है अंकुड़ी करा, या इसको कहते हैं इंग्लिश में रीठिया टिक्टोरिया, ठीक है ना। इस पर मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। और ये न्यूज़ आप लोगों को जो दिख रही है, ये देखिए मैन फिशेज, तो ये कृष्णा रिवर की में ये है। तो हम देख लेते हैं कृष्णा रिवर, थोड़ा सा कृष्णा रिवर ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग देखते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। तो कृष्णा रिवर फोर्थ बिगेस्ट रिवर है, ठीक है, और इसके गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा के बाद ये तीसरी चौथी सबसे बड़ी नदी है और 1300 किलोमीटर का ये सफ़र करती है, 1300 किलोमीटर लंबी है। द रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड कृष्णा कृष्णा वेणी, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये बहती है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, देखिए इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू, मुंडेरू, ठीक है, ये आप ये सारी याद रखें। और राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है उसकी है ना वरना, कोयना, पंचगंगा और घाट प्रभा, तुंगभद्रा, माल प्रभा, दूध गंगा, तो ये आप ज़रूर याद रखें। और ऐसे कर कर के हम नदियों को भी देखते रहेंगे तो हमसे धीरे धीरे नदियाँ भी कवर हो जाएंगी, राइट। तो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक नो मोर पैक्स विद मेडिकल, मेडिकल कॉलेज में जो सेल्फ फाइनेंसिंग जो सीटें होती है उससे रिलेटेड एक जजमेंट है, थोड़ा सा देखेंगे इसको। बेंच ने क्या किया है कि इनके जो सेक्शन 8(1)(b) जो था रिगार्डिंग प्रोविजन फिक्सिंग ऑफ द फी इन द सेल्फ फाइनेंसियल मेडिकल कॉलेजेस, तो ये सीटें जो होती थी सेल्फ फाइनेंसियल की, तो ये जो कमेटी होती थी जो मेडिकल कॉलेज की, तो वो अपने हिसाब से ये मेटेड करते थे, तो उसी को हाई कोर्ट ने क्या किया है, उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया है और इलीगल कह दिया है। प्रोविजन इन लॉ ऑन फी सेल्फ फाइनेंसियल कॉलेज अल्ट्रा वायर्स, ठीक है ना। तो ये जो प्रोविजन था उसको क्या कहा है, अल्ट्रा वायर्स या नल एंड वाइड कर दिया है। तो ये अक्सर होता है कि सेल्फ फाइनेंस फीसेज होती है, अपने बरबारे तरीके से ये पैसे लेते हैं, तो एक तरीके से मिसयूज़ होता है उसका काफ़ी। और आगे देखिए एक, हाँ, यूपी से रिलेटेड न्यूज़ है, ब्लैक बक को कंजर्वेशन का काम हो रहा है यूपी में, और यूपी के अलाहाबाद डिवीज़न में ये मेजा फॉरेस्ट है वहाँ पे ये, और ये पहली बार यूपी में ये ऐसा कंजर्वेशन या कोई भी यूपी में पहला कंजर्वेशन ये होगा, तो ब्लैक बक जो है। और इसके अलावा देखिए कुछ नेशनल पार्क भी है जो ब्लैक बक है, ब्लैक बक को कंजर्व करते हैं, वो है वेलवादर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, इसके अलावा रीड बेनूर ब्लैक बक सेंचुरी कर्नाटका में,
राइट right? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और ये ब्लैक बैक कंजर्वेशन रिजर्व इन मेजर डिवीजन दैट इज नोन फॉर इट्स रॉकी अडूलेटी और एरिड टेरेन है ये जहाँ पे ये बनाया जा रहा है। और 350 ब्लैक बक वहाँ पे ऐसा एस्टिमेट है इनका कि 350 ब्लैक बक वहाँ पे मौजूद है। राइट द एरिया बोस्ट मोर देन 200 स्पीसीज। देखिए जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स, 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। इसके अलावा हर्बीवोरस लाइक ब्लैक बक, ब्लू बुल जिसको नीलगाय कहते हैं, एंड कार्निवोरस लाइक जैकाल्स, स्ट्रिप्ड हाइना, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे पाई जाती है। और ब्लैक बक जो है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये ब्लैक बक नोन फॉर देयर मजेस्टिक स्पाइरल हॉर्न्स, जो इनकी जो हॉर्न होती है, जो सींग होती है उसके लिए ये। इसके अलावा इनके जो कोट कलर, जो कंट्रास्ट कलरिंग होती है जो, उनके लिए पाया जाती है। ग्रासलैंड या ओपन फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। और ये सारी चीज़ें हमने देखी। राइट तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये न्यूज़ भी एक इम्पॉर्टेंट ही है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो बॉयलर देखिए उचहार में ये ब्लास्ट हुआ था, 22-23 लोग इसमें मर गए थे। तो इसमें देखिए एनडीआरएफ कैमराज हेल्प एनडीआरएफ पुल आउट बॉडी। तो हमारे लिए देखिए एनडीआरएफ ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एनडीआरएफ के बारे में देख लेते हैं, एनडीआरएफ है क्या। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये स्पेशलाइज फोर्स है और ये बनाई गई थी जो डिजास्टर से लड़ने के लिए, डिजास्टर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ये बनाई गई थी। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये अपेक्स बॉडी है। और इंडिया, इन इंडिया द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए इसको देखती है। द चेयरमैन ऑफ एनडीएमए कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप ये ज़रूर याद रखें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। राइट और इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी एक न्यूज़ कल पता चला था कि आरटीआई के थ्रू ये पता चला था कि 60% जो, सॉरी 40% जो सीट्स होती है अहमदाबाद और मुंबई रूट पे वो खाली जाती है। तो उस पर एक सफाई आई है कि उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये वहाँ पे 100% ऑक्यूपेंसी होती है, मतलब कोई सीट वहाँ पे खाली नहीं जाती। ये बुलेट ट्रेन के रेस्पेक्ट में कहा गया था कि चूंकि अभी ऐसा है कि सीटें खाली जाती हैं तो बुलेट ट्रेन आने के बाद तो बुलेट ट्रेन लॉस में ही रहेगी, तो उसके पर्सपेक्टिव में ये बात कही गई थी। इसके अलावा एक और केस है कन्वर्जन का, तो राजस्थान ने पुलिस जो लड़की है जो कन्वर्ट हुई है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि उसको एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए कोई निकेतन है, नारी निकेतन, वहाँ पे इन्होंने कहा है कि उनको रखिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक अरेंजमेंट फॉर हर टू स्टेज नारी निकेतन अंटिल केस अगेंस्ट हर मैरिज इज टेकन अप नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। जब तक ये केस ये टेकन नहीं हो जाता तब तक उसको नारी निकेतन में और उसकी सेफ्टी से रिलेटेड बातें कही है। आज हम ये एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। राइट सो आज से शुरू करते हैं एडिटोरियल। सो लेट्स मूव, पहले न्यूज़ देख लेते हैं। जाकिर नाइक को इंडिया ने बैन कर रखा है और इन पे आरोप है, इंडिया में ये आरोप है कि इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देते हैं, जबकि मलेशिया है इनको काफ़ी वहाँ पे इसको नागरिकता भी मिली है, वहाँ की सिटीजनशिप, और वहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी एक तरीके से इनको मानते भी हैं। और देखिए यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि वहाँ के कुछ लोग हैं उन ग्रुप ऑफ मलेशियन एक्टिविटीज, उन्होंने हाई कोर्ट में एक तरीके से कहा है कि हमारे पीस के लिए थ्रेट है, जबकि वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो काफ़ी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। नजीब रज्जाक जो है वहाँ के पीएम, वो स्पेशली इनके सपोर्ट में है। और ये सारी चीज़ें देखिए, हमने ऊपर जो एलजी वाली जो मेन फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ थी डिस्कस की थी उसमें कुछ और पॉइंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एलजी थिंक्स ही इज़ अ सुप्रीम 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 सुप्रीमा लेक्स। सुप्रीमा लेक्स का मतलब होता है सुप्रीम लॉ। तो ये कह रहे हैं कि एलजी सोचते हैं कि वही सुप्रीम लॉ है ऑन 6 ग्राउंड, 6 ग्राउंड पे। पहला क्या है, द दिल्ली इज स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। राइट, पहला क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दूसरा, पार्लियामेंट मेक्स द लॉ फॉर दिल्ली अंडर 246(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, आर्टिकल 239AA हैज ब्रॉट इट टू अ चेंज टू दिल्ली स्टेटस इन टू यूनियन टेरिटरी सिंपली सिटर। फोर क्या है, प्रोविजन गिव्स हिम द पावर ऑफ डिफियंस। फाइव, ही हैज टू कंकर टू एवरी डिसीजन मेक बाई द दिल्ली गवर्नमेंट। सिक्स, ही कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन नाउ। हाँ, नाउ नाउ ड्यू द 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंटेम्पलेट्स टू पैरेलल गवर्नमेंट्स लाइक दिस। तो
तो ये उन्होंने ये बात कही है सुब्रमण्यम, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये ग्रेट कॉन्फिडेंस टू इवॉल्व बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड एलजी, बट हाउ कैट देयर बी, इन्होंने कहा है कि ये कैसे इनके बीच कॉन्फिडेंस इवॉल्व होगा जब एलजी होल्ड्स द मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिसर विदाउट द चीफ मिनिस्टर। जो एलजी मीटिंग करते हैं विद गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, उसमें चीफ मिनिस्टर को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी, ये सारी बातें। इसके अलावा इंडिया हिट्स आउट चाइना, देखिए मसूद अजहर को फिर से वीटो का यूज़ करके चाइना ने ब्लॉक कर दी, ठीक है ना। बीजिंग ब्लॉक्स यूएन मूव्स, तो जो मूव्स ये था इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने का, तो फिर से डबल स्टैंडर्ड चाइना ने खेला है, तो उसको इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा एक गुडविल गेस्चर देखिए अटारी वाघा बॉर्डर पे, यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने कहा है कि सिख पिलग्रिमेज जो है उनको हम वीज़ा ग्रांट करेंगे। इसके अलावा 9 फिशरमैन एंड 4 सिविलियन प्रिजनर को भी वहाँ पे छोड़ा गया है, ठीक है। तो एक तरीके से बॉर्डर पे टेंशन है, लेकिन ये इसको नॉर्मलसी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सॉफ्ट पावर के थ्रू, राइट। इसके अलावा कोएश अस्थाना, देखिए जो अस्थाना को स्पेशल सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया था, तो उसके खिलाफ एक पिटीशन दायर हुई है। वो आईपीएस ऑफिसर थे गुजरात कैडर के, उनके खिलाफ कुछ केसेस भी है, तो ये कह रहे हैं कि करप्शन उनके केसेस हैं उनके खिलाफ, और उनको आप स्पेशल सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर बना रहे हैं, तो उस पर इन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं। और ये 5 यूथ फाइटिंग इन सीरिया आइडेंटिफाइड, तो बस न्यूज़ आप ऐसे देख सकते हैं, और कुछ है नहीं इसमें। लेट्स मूव, ये सारी इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़। हाँ, इंडियन ओशियन में देखिए निर्मला सीतारमण से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ रही है, ये इंडियन ओशियन से रिलेटेड मतलब वहाँ की सुरक्षा को लेकर काफ़ी इनको कंसर्न है, तो उस पर देखिए इंडिया ऑफर्स शेयर, तो 10 इंडियन ओशियन लिटरल स्टेट जो है, लिटरल स्टेट जो है मतलब जो 10 देश हैं इंडियन ओशियन में, उनसे एक तरीके से मदद मांगी है ताकि रियल टाइम मैरीटाइम डाटा उन लोगों को मिल सके और इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये एक तरीके से इंडियन ओशियन रीजन की सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ये कदम लिया जा रहा है, राइट। तो क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन में चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। बाकी ये जो अटैकर था और न्यूयॉर्क वाला, उस पर देखिए सैफुल्ला सेज ही वाज इंस्पायर्ड बाय आईएस वीडियो, और प्रोपेगेंडा मटेरियल वगैरह उसके फोन में पाए गए हैं। और ये देखिए एक टाइमलाइन है, आप इसको थोड़ा डिटेल में, अगर इंटरनेशनल इशू आप और स्पेशली पैलेस्टाइन और इसराइल वाला जो इशू है उसकी डिटेल आपको अगर चाहिए तो ये पूरा पढ़िएगा, टाइमलाइन काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। और ये लोकेशन अब देख लेते हैं, ये देखिए वेस्ट बैंक है, ये जॉर्डन कंट्रोल है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये इजिप्ट द्वारा ये कंट्रोल की गई थी 1947 में। ये जो जेविश स्टेट है, ये देखिए जो बिल्कुल नीला दिख रहा है, ये जेविश स्टेट है 1947 यूएन प्लान के तहत। और ये जो है टेरिटरी बाउंडेड यूएन प्लान टू कंक्वायर इसराइल, तो ये इसराइल ने इन सब चीज़ों पे कब्जा कर रखा हुआ है, जो ये डॉटेड ये चीज़ें ये दिख रही है, ठीक है ना, लाइनिंग दिख रही है ये, तो ये सारी चीज़ें देखिए लिखा हुआ है कब कैसे क्या हुआ। तो इसको आप डिटेल में अगर जाना चाहें तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत अच्छे मतलब टाइम लाइन ये दी हुई है पूरी। और कैटालन से रिलेटेड कुछ खास नहीं है, ये लीडर्स हेल्ड पेंडिंग पोटेंशियल ट्रायल, तो उनको सबर किया जा रहा है, उनके खिलाफ सेडिशन वगैरह के चार्जेस हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं न्यू डिफेंस सेक्रेटरी थेरेसा मे ने अपॉइंट किया है, चूँकि जो उनकी एक सेक्रेटरी थी उनके खिलाफ हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस थे। तो इसके अलावा सुकोई विजिट ट्रबल रखा है, तो देखिए अब जाके थोड़ा सा ये नींद से जागी है सुकोई, जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इनका, चूंकि ये नोबेल पीस प्राइज़ विनर है और वहाँ पे एक तरीके से वायलेंस हुआ, 6 लाख लोगों को रोहिंग्या मुस्लिम्स को वो अपनी कंट्री छोड़ना पड़ा, अब ये जाके वहाँ पर विजिट कर रही है, कोई बात नहीं दे रहा है लेकिन आए तो। और ये देखिए हम थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं रखाइन स्टेट की, ये देखिए ये रेड वाला पोर्शन जो है यही है वो रखाइन स्टेट, और ये जो है कॉक्स बाजार जहाँ पे ये लोग शेल्टर लिए हुए हैं, ये रिफ्यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, रखाइन जो है। और आपको एक इम्पोर्टेंट लोकेशन और मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये देखिए ये सिटवे पोर्ट है जहाँ पे कलादार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये सिटवे पोर्ट आप देख सकते हैं। और अब ये थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्ट एक तरीके से है म्यांमार का, ये रखाइन स्टेट, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो आगे की न्यूज़ में जीएसटीएन से रिलेटेड एक न्यूज़ है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि इतने बड़े रिफॉर्म रातों रात नहीं होते, ये लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है बिजनेस जो सेक्टर है। तो हालांकि गवर्नमेंट ने देखिए अभी डेडलाइंस को बढ़ाया है जीएसटीआर और जीएसटीएन
GSTR 2 एंड GSTR 3 को बाई मंथ ईच, ठीक है ना, जुलाई मंथ बाई मंथ तो बढ़ाया है जुलाई मंथ तक। तो ये देखिए लिख रहा है, एनी लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल स्पेशली ट्रांसफॉर्मेटिव और लाइक दिस हैज़ टू डील विथ चेंज इन बोथ पॉलिसी एंड स्टेक होल्डर यूजबिलिटी। तो इनको देखिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इन लोगों को, और ये लिख रहा है कि इवन आफ्टर 4 मंथ द GST पोर्टल इज स्टिल वर्किंग लाइक एन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। तो क्या 4 महीने हो गए लेकिन GST पोर्टल ऐसे यूज़ कर रहा है जैसे एक्सपेरिमेंट मोड में। थोड़ा सा हम GSTN के बारे में देख लेते हैं। तो GSTN के बारे में देखिए, GSTN सेक्शन 8 के तहत कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आप याद रखें कि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राइट। और 28 मार्च 2013 को इसको बनाया गया था, और इसमें जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो 24.5% है, और ऑल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन इंक्लूडिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली पांडिचेरी और ये सारी चीज़ें मिला के इनकी हिस्सेदारी 24.5% है। इसके अलावा जो 51% जो इक्विटी है वो नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर याद रखें, 24.5% गवर्नमेंट की, 24.5% स्टेट की, और 51% नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे याद करने के लिए है। और अगली न्यूज़ देखते हैं, अगली न्यूज़ पे बढ़ने के लिए, डूइंग बिजनेस में इंडिया ने, अब मैं कई दिनों से न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ, 30 पॉइंट की 130 से अब 100 पोजीशन पे आ गए, 30 प्लेसेस का हमने जंप किया है। तो ये लिख रहे हैं कि अगर अगर इंडिया के ने जो अभी GST लागू की है उसको अभी इसमें मॉनिटर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है, मतलब ये जो रिपोर्ट आई है उसमें GST को काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर GST को काउंट कर देंगे तो ये इंडिया टॉप 50 में आ सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और इंडिया इज नो करेंसी मैनिपुलेटर, रघुराम राजन ने कहा है कि इंडिया करेंसी मैनिपुलेटर नहीं है, और ये हमें करेंसी की नीड होती है तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं, और नीड्स टू बिल्ड फॉरेक्स रिजर्व टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी फ्रॉम अ सर्ज इन आउटफ्लो। तो हम एक तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे स्टेप लेते हैं, और कीप रनिंग द IMF, और कह रहे हैं कि हमेशा IMF की तरफ हम हेल्प करना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। सो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से, मतलब कहना इनका यही है कि हम अपने हिसाब से वेरी डिफिकल्ट टू पॉलिटिकली, कह रहे हैं कि कीप रनिंग द IMF फॉर हेल्प अ लार्ज कंट्री एंड आल्सो दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट पॉलिटिकली। सो हमेशा हम IMF की तरफ नहीं देख सकते, अपने हिसाब से हम ये कह रहे हैं, और ये मतलब उनके डिनाई कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करते हैं। हम उसके क्या इन्होंने कहा था, करेंसी मैनिपुलेटर, हाँ करेंसी मैनिपुलेटर हम रही है। एक देखिए, US प्रोब करेगी हमारी ड्रग फर्म को, US का देखिए ये इनका हमेशा नाटक रहता है, ये जो भी चीज़ें यहाँ से जाती है उनको प्रोब करते हैं। तो कुछ कंपनियाँ हैं इंडिया की, डॉक्टर रेड्डीज वगैरह भी उसमें है, तो इनको प्रोब करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली न्यूज़ देख लेते हैं, हाँ ये स्पोर्ट्स की न्यूज़, और एक और न्यूज़ शायद रह गई है तो उसको भी देख लेते हैं। हाँ ये गाज़ा पिरामिड जो है इजिप्ट में, उसमें देखिए अंदर एक बिग वर्ड पाया गया है, और ये सारी चीज़ें इन्होंने पता लगा, ये रेडियोग्राफी को यूज़ करके स्कैन किया है स्ट्रक्चर का, और अंदर एक देखिए ये ग्रैंड गैलरी है, और अंदर एक बहुत खाली स्पेस है, तो ये इन्होंने पता लगाया है, ठीक है। और जो स्पेस है वो कह रहे हैं कि एक 200 सीटर का प्लेन इतना बड़ा वो उसके हर्ट मतलब जो सेंटर में आ सकता है, ये उतना बड़ा स्पेस है। और ग्रीनलैंड पे जो आइस मेल्ट कर रही है वो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा रिस्क है, जितना एज्यूम किया जा रहा है उससे भी बहुत बड़ा है, ऐसा रिसर्चर कर रहे हैं नासा के, राइट। और ये खूबसूरत बर्ड आपको दिख रही होगी राजपथ पे दिल्ली के। और इसके अलावा एक न्यूज़ देख लेते हैं, रशियन फिल्म फेल टू बी हेल्ड इन दिल्ली मुंबई एंड पणजी। दिल्ली मुंबई पणजी में एक फेस्टिवल होगा, फिल्म फेस्टिवल होगा आयोजित होने वाला है, रशियन फिल्म डेज, अ फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ इंडो रशियन गवर्नमेंट कोऑपरेशन इनिशिएटिव। तो एक अच्छा स्टेप है, ठीक है, कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।